दादाजी मैंने 7 लाख के 2 ऑर्डर बुक किए। मेरा तो अब तक 4 लाख ही हुआ है। मेरे 5.5 लाख हुए हैं। और तू, तेरा क्या हाल है? इसका तो अभी तक खाता ही नहीं खुला। मेरे इसका वो कछुआ मंथन भाई जो अंत में जीतता ही जीतता है। और भूलिए मत, अभी रूपाली का ऑर्डर बाकी है। दादाजी नाश्ता तैयार है, आप लोग आ जाइए। बहू जी बेटा एक बात बताओ, घर के काम में ही लगी हुई हो या फिर मूड के काम में मदद भी करती हो? कर रही हूँ दादाजी, मैंने बस अभी अभी 8 रंगे दुपट्टे मेरी काकी को भेजी है। मेरी कमाई अब दुगनी हो गई है। इसका मतलब अभी तो कौमुदी और मुगुट इसकी गाड़ी सबसे आगे चल रही है। पर ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो ये घर और कारोबार को चला सके वो बेहतरीन पति पत्नी हम ही होंगे। चलो चलो नाश्ता कर लेते, चलो। दादाजी मैं भी जाऊं? जा जा। मानो बेटा समय कम है और मंजिल अभी भी दूर है। जितना है तो तुम्हें और छन को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले साल इसी महीने हमने अपने 8 क्लाइंट से बड़े बड़े ऑर्डर उठाए, लेकिन ऑर्डर लेने के बाद हमने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इस साल हम लोग उनसे दोबारा मिलेंगे और उन्हें अच्छे डिस्काउंट ऑफर करेंगे और उनसे बड़े बड़े ऑर्डर उठाएंगे। ओके मुकुट भाई, इनमें से 2 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो उन्हें तो मैं कल ही मिलकर आऊंगा। हाँ ठीक है। हेलो, अरे रूपाली आओ। रूपाली तुम यहाँ अचानक? हाँ वो एक्चुअली मैं कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने सॉन्ग्स कलेक्शन तुम्हें दे दूँ जो तुमने मेरे साथ मुंबई ट्रिप पे बहुत एंजॉय की थी। आओ अंदर, प्लीज कम। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, मैं निकलती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है। लेकिन हाँ हम जल्दी मिलेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। बाय बाय, सी यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय। ये मेरी सबसे मेजर डील फाइनल होने वाली है और ये हमारी इस साल की सबसे बड़ी डील होगी। बहुत अच्छा काम किया तूने, शाबाश। हाँ माधव, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, आखिरकार मेहनत रंग लाई। भैया मैं ये न्यूज छंछन को सुनाता हूँ। अरे इनफैक्ट मैं उसके ऑफिस में उसे सरप्राइज लेके आता हूँ, वो ही सही रहे। हाँ हाँ बापू जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। बस बापूजी, 2 और हफ्ते ये दवाई लेनी है आपको, उसके बाद दवाई बंद और शायद चेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे बेटा तेरी देखभाल और मेरे योग से ये समय से पहले ही ठीक हो गया है, अब ये दवाइयों की कोई जरूरत ही नहीं है। दादाजी लेकिन डॉक्टर ने कहा है तो। हाँ ठीक है मैं ले लूंगा 2 हफ्तों तक, ठीक है। बापूजी। हाँ बेटा। मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपकी नजर में इस घर की सबसे बेहतरीन जोड़ी में कोई बना है क्या? नहीं बापूजी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझसे ये सब अब नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से आगे जाने की चाह में हम सब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। आपकी एक अच्छी सोच सबके मन में बुरी सोच पैदा कर रही है और मैं नहीं चाहती कि जीतने की चाह में सबके मन में कोई बुराई पैदा हो। लेकिन बेटा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
कल किसी ने मेरे कपड़े रंगने वाले रंग को किसी और रंग से बदल दिया। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। वो मैंने सही वक्त पर पहचान लिया तो क्या फायदा ऐसे मुकाबले का जिसे जीतकर हम अपने रिश्ते हार जाएं। प्यार के बदले मन में जलन पैदा हो। मैं अपने इस परिवार के साथ चलना चाहती हूँ, आगे नहीं बापूजी। मुझे नहीं जीतना ये मुकाबला बापूजी। आप मुझे इस मुकाबले से निकाल दीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा इन सब से बाहर निकलकर अपने पति की मदद करना, ये भी तो अपने आप में कड़ी परीक्षा है ना। इस सागर मंथन के अंत में अमृत ही निकलेगा जो इस परिवार के लिए अच्छा होगा, और इसीलिए तुझे अपने परिवार के लिए और अपने लिए ये सब करना है। थोड़ा सब्र रखो बेटा और सचेत रहो। क्या मैं छनछन से मिल सकता हूँ? सॉरी सर, ऑफिस आवर्स में पर्सनल विजिट अलाउ नहीं है। मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना है, अब एक मैसेज देना। वो मैसेज आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। नेवर माइंड, मैं खुद ही दे दूंगा। जी। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बट आप ऐसे फूल तोड़कर बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तोड़ नहीं रहा, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ कि जिसे आप पसंद करते हो, आप उसकी पसंद का कौन सा गिफ्ट दोगे? बस यही सोच सोच के मेरी हालत भी इन फूलों जैसी हो गई। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन शॉपिंग सब कर चुका हूँ, पर कुछ मिल ही नहीं रहा है कि लूँ क्या। कौन सी साइट? ये मैंने डिजाइन किए। ऑनलाइन शॉपिंग करो और सिर्फ 2 घंटे में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। पर कमाल है ना, मेरे ही बनाए हुए वेबसाइट में से मेरे ही प्यार के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। भाई हम भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमने जब भी उसे गिफ्ट दिया उसे बहुत पसंद आया। अच्छा, एक मिनट भाई, अगर हमें अपनी वाइफ को गिफ्ट देना होता तो हम ये देते। वाओ, ब्रेसलेट तो अच्छा है, शायद मेरी गर्लफ्रेंड को भी ये पसंद है। सॉरी इफ यू डोंट माइंड, आपकी गर्लफ्रेंड किस तरह की है? आई मीन उसे क्या पसंद? उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर वो बहुत खूबसूरत है। आई मीन उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसकी आवाज, मुझे तो उसे देख के ही प्यार हो गया था। ओह, लव एट फर्स्ट साइट। आई होप कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीत इस गिफ्ट से। आई विश जिस तरह से आपको अपना प्यार मिला, मुझे भी अपना प्यार जल्दी मिल जाए। Good luck. Manav. Vinit. Come. जल्दी से घर आना, मुझे तुम्हें गुड न्यूज सुनानी। जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। This is a humble gift for you. मेरे लिए? लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? क्यों? कल आपने मेरी इतनी हेल्प की थी, तो क्या मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सकता? प्लीज चंचन, मैं बहुत प्यार से लाया हूँ। प्लीज। ओके। एक सेकंड में दिखाता हूँ। It's nice. आपको पसंद है? Thank you. मुझे कहीं जाना है। Okay, bye. तुम बस चूरन ही खाना, हाँ? और ये मत पूछना कि रंजना तो
कैसी है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे पर तुम्हें क्या होगा? क्यों? ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मैं लोहे की बनी हूँ। ऊपर से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? मैं बाम लगा देता हूँ। लाओ लाओ, कहाँ दर्द हो रहा है? इधर। पर रंजना, ये अचानक तुम्हारे हाथ में दर्द कैसे हो गया? वो मैंने सोचा कि अगर मैं कौमुदी भाभी से आगे निकल जाऊंगी तो हमें बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलेगा, तो इसलिए मैंने ना ये तुमने क्या किया रंजना? जीतने के लिए धोखे का सहारा, और वो भी कौमुदी भाभी के साथ, जो किसी का बुरा करना तो दूर, उसका बुरा सोच भी नहीं सकती। ओ संजना, तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो कौमुदी भाभी की इज्जत मैं भी करता हूँ, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज है। लेकिन शुरू में तो मुझे कंपटीशन ठीक लग रहा था, पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ में नहीं आ रही है। ये बोल रही हूँ कि अपनी ही बहन के साथ कंपटीशन करने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओ संजना, देखो जब बात हार जीत की होती है तो रिश्ते नाते नहीं देखे जाते, सिर्फ हार और जीत ही देखी जाती है। और हम लोग मुगुट भाई और कौमुदी भाभी से ही नहीं, बल्कि रंजना भाभी और माणिक भाई से भी पीछे चल रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। और रिश्ते उनका क्या? अरे भगवान, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कप चाय बना कर लेकर आओ। जा। मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। मारे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, पीछे करो। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी को जाहिर करना चाहता हूँ। पहले खुशखबरी तो बताओ, फिर जाहिर करो। खुशखबरी ये है कि रूपाली की कंपनी में मैंने जो टेंडर सबमिट किया था वो कुछ ही दिनों में पास होने वाला है। Really? Yes. और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद मैं इस घर में जीरो से हीरो बन जाऊंगा। That's great news, मानव। है ना? और ये खुशखबरी तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आया। अभी ले। वैसे आज मुझे भी ऑफिस से कुछ मिला है। लेकिन तुम्हारा गिफ्ट मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। आई होप कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीत इस गिफ्ट से। आई विश जिस तरह से आपको अपना प्यार मिला, मुझे भी अपना प्यार मिले। ये तुम्हें ऑफिस में किसने दिया? है कोई, तुम उसे नहीं जानते। तुम्हारे किसी कलीग ने दिया, राइट? हाँ। वही ना जो चश्मा पहनता है और तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, और उसका नाम विनीत है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? चंचन, मैं आज तुम्हारे ऑफिस गया था और उससे मिला भी था। तुम जानती हो उसने तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दिया है? क्योंकि he is in love with you. What? नहीं मानव, he's just a colleague. मैंने उसकी काफी मदद की है, इसलिए आज उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। चंचन, उसने मुझे ये खुद कहा था कि वो किसी से प्यार करने लगा है, उसे गिफ्ट देना चाहता है, बल्कि मैंने उसे गिफ्ट सेलेक्ट करने में मदद की थी। ये देखो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये गिफ्ट वो मेरी वाइफ को ही दे रहा है। बस चंचन, तुम अब उस ऑफिस में नहीं जाओगी, मेरी डील फाइनल होने वाली है और उसके बाद तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। जिसको इतना जॉब। व्हाट? मानव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूल गए क्या कि पापा ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने हमसे कहा कि हम सबको अपने अपने हस्बैंड्स की हेल्प करनी चाहिए, और चाहे मैं अपने जॉब से कितना भी अर्न करती हूँ, पर द पॉइंट इज मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और तुम्हारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकती। लेकिन चंचन, तुम्हारी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, और मैं यहां पर अकेले नहीं, तुम्हारे साथ पहुंचा। बस मुझे एक ही बात का डर है, कहीं मानव हमसे आगे ना निकल जाए। अगर मानव भाई
आगे निकले तो फिर आपको बुरा लगेगा। नहीं, बुरा नहीं लगेगा, वो हमारा छोटा भाई है, उसकी तरक्की से हम सबको खुशी होगी। पूरा इस बात पे लग सकता है कि घर का बड़ा बेटा होने के बाद भी बापूजी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकूंगा। देखिए जी, एक बार उम्मीद टूट जाए तो उसे दोबारा जुड़ा जा सकता है, लेकिन रिश्ते एक बार अगर टूट गए तो वो दोबारा नहीं जुड़ते। और हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि मुकाबला जीतने से पहले हम एक दूसरे का दिल जीते। जिसके साथ तुम्हारे जैसी बीवी हो वो कभी हार ही नहीं सकता। एक बात बताओ मानव, क्या तुम्हें विनीत से जेलसी हो रही है? मुझे जेलसी फील होगी, वो भी उस चश्मे से। दिन में सपने देख रहा है वो, ना तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस है ना ही कोई सेंस। टफर है वो। टफर नहीं है, जीनियस है जीनियस। वो जो कर सकता है ना कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, वो तुम्हारे जैसा हैंडसम नहीं है, पर ही इज क्वाइट क्यूट। वो कैसा है कैसा नहीं मैं ये नहीं सुनना चाहता, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां पर तुम्हारा कोवर्कर तुमसे प्यार करने लगे। ओह कम ऑन मानव, इतना पोसेसिव मत बनो, मैं वहां ठीक हूँ। तुम्हारी डील फाइनल होने वाली है और तुम्हारे इस सक्सेस में मैं भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। आज खाना जरूर खाना, तुम्हारा फेवरेट पालक पनीर बना है। तुम ऑफिस जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर तुम्हारे साथ। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा ऑफिस रास्ते में ही तो है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं मानव, तुम आराम से नाश्ता करो, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। Hi Rupali, how are you? Hi, I'm good. Guess what? I have some good news for you. Hamari deal almost final ho chuki hai. Really? Yes, really, really. Bas ek formal meeting kar lete hain and usme paperwork bhi kar lenge, right? And then the deal is yours. How do you feel? But ha, listen, uske pehle मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपनी कंपनी के एनुअल पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। Because I want you to meet all my business associates. So is that okay with you? Of course. तुम इनवाइट करोगी तो मैं पार्टी में जरूर आऊँगा। Okay. I'll be waiting. See you then. Okay. या भाई कैसी पार्टी? वो भैया रूपाली अपनी कंपनी की एनुअल पार्टी में हम सबको बुलाना चाहती है क्योंकि मेरी डील भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, बस पेपर वर्क बाकी। तू इतनी अच्छी खबर ऐसे मुंह लटका कर क्यों सुना रहा है? नहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या? भैया प्रॉब्लम प्रोफेशनल नहीं है, थोड़ी पर्सनल है, जाने दीजिए। अरे तो मुझे बताना क्या है प्रॉब्लम, आ बैठ, मैं सॉल्व करने में मदद करता हूँ। भैया वो चंचन के ऑफिस में उसका एक कोवर्कर है विनीत, जो उसे लाइक करता है, इनफैक्ट उससे प्यार करता है। क्या भैया, मैंने छिन को वो जॉब छोड़ने के लिए कहा लेकिन वो वहीं काम करना चाहती है। अब आप ही बताइए, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसी जगह कैसे काम करने दे सकता है जहां पर कोई और। छिन को मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मानव ये
प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, नहीं और सेंसिटिव भी है। नहीं, देख मानव, मैं तो तुझे यही कहूंगा कि तू जो भी स्टेप्स ले, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर ले। हाँ भैया, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। मानव, मेरे हिसाब से तो तुझे वही करना चाहिए जो दादाजी ने समझाया था। शादी एक पौधे की तरह होती है, उसे हर रोज पानी, धूप और हवा देनी चाहिए, और ये सब कैसे करना चाहिए वो भी उन्होंने समझाया था। लेकिन तुझे वो सब याद है या नहीं? हाँ भैया, मैं समझ गया। अब मुझे पता कि मुझे क्या करना है। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। जो आदमी पर्सनल लाइफ को सुधारने में लगा रहेगा, वो प्रोफेशनल लाइफ को कैसे सुधारेगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.